उज्जैन जिले के स्थानीय डिपो परिसर में मध्य प्रदेश शासन की जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत क्षेत्र के किसानों को फसल ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरण किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री जीतू पटवारी, कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक महेश परमार ने की और कार्यक्रम के विशेष अतिथि केंद्रीय सहकारी बैंक अजीत सिंह ठाकुर ने की। साथ ही उज्जैन जिले के सभी कांग्रेसी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र भी बांटे गए। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक महेश परमार ने अपने क्षेत्र के हर संभव कार्य करने की बात कही। साथ ही कार्यक्रम का संचालन संजय यादव ने किया। पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि प्रदेश सरकार ने ऋण माफी योजना का अब द्वितीय चरण शुरू कर दिया है, जिसके तहत उन किसानों का कर्ज माफ हुआ जिन पर 50,000 से लेकर 1,00,000 तक का कर्ज है। उन सभी किसानों का कर्ज माफ किया गया है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों की मदद, सहायता और सहयोग, किसानों की लागत कम करना और उसकी आय बढ़ाना, ये कमलनाथ जी के मुख्य योजनाओं का एक भाव है। हर हालत में किसानों के ऋण माफ होंगे, किसानों की लागत घटेगी। भारतीय जनता पार्टी का इससे पेट दुख रहा है, शिवराज सिंह को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए रोज किसी न किसी प्रकार का ऐसा कृत्य जो मध्य प्रदेश के हितों की के विरोध में हो वो करते रहते हैं। कमलनाथ जी हर हालत में हर किसान का कर्जा माफ, कमलनाथ सरकार का केना साफ, इस वचन को लेके चलता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।